गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Carlo.in presents Saturday Startup Live। लास्ट वीक हम लोग मिले मनीनी डे से, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना उनके क्या सोशल इनिशिएटिव्स हैं और क्या क्या वो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारी आज की गेस्ट ने इस OTT प्लेटफॉर्म पे आग लगा रखी है। हॉस्टेज और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने अपना इंडस्ट्री में एक अलग सेगमेंट क्रिएट कर लिया है। So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very beautiful and witty Anansha Biswas. Let's connect with her. Anansha Biswas, thank you for joining in today with all our audiences. People have been eagerly waiting to connect with you. Kaise hain aap? How is the lockdown going? How is the success happening after Mirzapur? नमस्ते सुजय। सक्सेस तो पता नहीं, बट फिलहाल तो कोविड चल रहा है और उसके अलावा आई मीन मिर्जापुर हैज रियली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड बहुत सारा प्यार मिल रहा है सबसे। सो फीलिंग वेरी हम्बल्ड एंड लकी। हम्बल्ड एंड लकी। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन द दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2020 बेस्ट एक्ट्रेस ज्यूरी फॉर मिर्जापुर। ये फीलिंग कैसी है? मतलब देखिए, ये फीलिंग पाने के लिए, महसूस करने के लिए मुझे कुछ 8 साल लगे। तो आई थिंक इट इज एन अमेजिंग फीलिंग, बट आई थिंक अवार्ड से भी ज्यादा ऑडियंस का प्यार मैटर करता है, क्योंकि ऑडियंस जब आपको एकदम ताजा ताजा वो फीडबैक देते हैं एंड आई थिंक दैट इज अमेजिंग। And of course, an award is an acknowledgement of your craft. It's always very humbling. मतलब मेरे पापा मम्मी सब बहुत खुश हैं. So yeah. You're overwhelmed. Hostage और मिर्जापुर में इतनी बढ़िया आपने acting की है. I'm sure आपने भी you just mentioned about these 8 years. कैसा रहा struggle अभी तक का? I'm sure बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे auditions गए होंगे. क्या changes आए life में आपके after receiving that award and मिर्जापुर? क्या था पहले और अभी क्या चल रहा है? सुजय, कितने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हो आप। मतलब एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन भी। You are the rising star right now on the horizon. Everybody wants to know more about you. So let me start with my 8 years. Actually, बचपन से ही मुझे अभिनय का शौक था और बंगाली बच्चे जैसे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ये वो सब कुछ सीखते हैं। तो मुझे पता था कि मेरा जो लगाव है, जो आई एम अ बिट लॉपसाइडेड टुवर्ड्स आर्ट्स, तो मुझे पता था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है। लेकिन माँ बाप को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि कलकत्ते में क्या है ना, आप ये सब पढ़ाई कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन प्रोफेशन तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फलाना ढिमकाना यही बनना पड़ेगा। आप एक्टर, मतलब यू आर नॉट सीरियस इन लाइफ, ऐसे देयर इज अ परसेप्शन। एंड माय पेरेंट्स बिलोंग टू द मेडिसिन बैकग्राउंड, तो मैं उनको बता ही नहीं पाई कि मुझे ना ये करना है। तो मैंने बोला पहले ना चुपचाप से पढ़ाई करो। तो आफ्टर दैट व्हेन आई वाज इन क्लास 10, मैंने ऐसे ही ना वो जी सिनेस्टार की खोज आया था जी टीवी पे, सो आई एंटर्ड और मुझे था मुझे नहीं मिलेगा। आई गॉट थ्रू, तो मैंने चलो ग्राउंड इवेंट में कर लेते हैं। वहां मतलब कलकत्ते के टीवी के नामचीन लोग थे, तो मुझे तो हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मैंने बोला क्या ही मैं कर लूंगी, एक्सपीरियंस से जाके आ जाती हूँ। आई वन एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, पूरे मतलब जी टीवी में, पूरे न्यूज में, अनांशा के पेरेंट्स को नहीं पता है, वो क्या करेंगे, जाने देंगे? So the next day I get up and my father is standing with a Bengali newspaper. He क्या है? And I'm like, oh God, क्या करूँ? मतलब it was so, मतलब क्या होगा? फिर मैंने बहुत मिन्नतें की है, and my dad is quite a chiller, my mother is the strict one. अच्छा। तो मैंने बोला जाने दो, जाने दो। तो ZTV से फिर call आया and all. So then class 10 का break था, so they allowed me and I came to Mumbai. और मुझे पता था कि मुझे यही करना है, लेकिन तभी से शुरू हुआ एक जो ये
struggle word is not something that I really like. I'd say this beautiful experience. Because struggle kya hota hai? Har kisi cheez se aap seekhte hi ho, hai na? Today, whoever I am and whatever acting that I can do, it's because of my life. The जो जद्दोजहद से जा चुकी हूँ मैं, उसकी वजह से मैं उसे एक्सप्रेस कर पाती हूँ. तो फिर मुझे वो जो तभी के जो जजेस थे एंड ऑल, और मैं पहले से ही ना थोड़ी सी शाई किस्म की लड़की हूँ. आई मीन आई कैन टॉक अबाउट बुक्स, आई कैन टॉक अबाउट आर्ट, आई कैन वो सब, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टैलेंट के अलावा मुझसे अगर मतलब मैं थोड़ी सी आउट ऑफ जोन हो जाती हूँ. बिजनेस विजनेस उतना समझ नहीं आता मुझे. तो मुझे ना किसी आई विल नॉट टेक अ नेम, बट नेम्स ड्रॉप करना मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता. बट समबडी टोल्ड मी आपको ना पैक योर बैग्स एंड गो बैक टू कैलकटा, आपसे नहीं होने वाला. ये बहुत डायनामिक प्रोफेशन है और यहाँ पे ना ये मिडिल क्लास वैल्यूज नहीं चलते. बहुत कुछ करना पड़ता है जो आपके वैल्यूज को पीछे छोड़ के, आई एम लाइक लोगों ने नहीं किया होगा, मैं करूंगी, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी. तो उन्हें तब लगा था कि ये हार मान के चली जाएगी. सो आई मैसेज दैट पर्सन आफ्टर सम टाइम एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही कांग्रेचुलेटेड मी. आई सेड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फायर. मतलब ये नहीं बोलते आप तो शायद मैं टिक के नहीं रहती, मैं चली जाती. तो आई थिंक नेसेयर्स ने मेरे जिंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि उसके वजह से मुझे ये जो आग है ना, नहीं नहीं करना है, करना है, दिखाना है कि किसी ने नहीं किया तो क्या हुआ, मैं रास्ता बनाऊंगी मेरे लिए. आई हैव दैट मेंटालिटी. सो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ टीनेजर. कोई ऐसा मतलब नेसेयर तो बहुत सारे रहे होंगे, बट ऐसा कोई इंस्पिरेशनल रोल मॉडल भी होगा, हु इज दैट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? स्मिता पाटिल जी इज माई इंस्पिरेशन. मेरिल स्ट्रीप इज माई इंस्पिरेशन. द काइंड ऑफ पार्ट्स दे डू, द काइंड ऑफ रोल्स दे डू. लेकिन मुझे ना पता था कि ऐसे लोगों को अपने तरफ की देखो मुझ में टैलेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर लाइक देम मस्ट बी सो मेनी टैलेंटेड पीपल इन इंडिया, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है. एंड आई थिंक आर इंडस्ट्री नीड्स अ मेकओवर. दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. और मुझे लग रहा है बहुत हो भी रहा है, क्योंकि इतने सारे FDI के लोग हैं. There's been a lot of people, lot of changes. I think it's a very good time now for talent. Especially so, with all these OTT platforms also throwing in a lot of roles. Yes, 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 yes. Because of them only. नहीं तो ये risk कोई नहीं लेता. You know, in films people don't want to take a risk. So then I please. जी. Then I went back to Calcutta. I completed my studies. Then convinced my parents. Came back rebelled. उन्होंने मतलब ना कर दिया था. मैंने बोला नहीं नहीं मुझे तो जाना है, यही करना है. क्योंकि बाद में बुढ़ापे में जाके ये नहीं बोलना है कि हाय करना था नहीं किया, कर लेना है मुझे. तो देन एंड आई डोंट हैव एनीबडी इन मुंबई, लाइक आई डोंट इवन हैव वन रिलेटिव हियर. तो माँ बाप के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. सो आई टुडे अंडरस्टैंड दैट अरे इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम. ओके, बट देन आई शिफ्टेड हियर और मैंने थोड़ी बहुत किशोर नमित कपूर यहाँ थोड़ा सा अपने स्किल्स को सेट करने की कोशिश की. फिर मुझे लगा, मैंने थिएटर किया बहुत साल, फिर मुझे लगा मुझे ना और थोड़ा इन डेप्थ जाना है. सो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. आई स्टडीड विद इवाना चबक, दैट इज हैली बेरीज एक्टिंग कोच, करके फिर मैं वापस आई. तो फिर मुझे लगा था कि अरे आई विल गेट पार्ट्स फिर, बट फिर भी बिकॉज यू नो आई थिंक मेरा ये जो बिजनेस स्किल थोड़ा सा लैक है ना, कि आई कांट सेल माई सेल्फ. मुझे कि मुझे देखो ये मुझे नहीं आता. तो मुझे बस काम आता है, मतलब कैमरा के सामने मैं तोप हूँ, उसके बाहर like, आगे पीछे काम मत करो. मुझे नहीं पता. सो आई थिंक उस वजह से ये जो जर्नी है थोड़ी सी डिफिकल्ट रही है, बट कोई नहीं, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी. जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, और ये आप जितने भी हाथ पैर इधर उधर कर लो. बट माई पॉइंट इज आई रियली वॉन्ट टू टेक आवर नेशंस एक्टिंग स्टैंडर्ड फॉरवर्ड. मतलब मेरा ये जो लुकआउट है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ब्रॉड है. कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट कि टैलेंट शुड गेट द अपॉर्चुनिटी. एंड व्हेनेवर आई गेट देयर आई एम गोना मेक श्योर आई डू समथिंग अबाउट इट. सो या एंड मिर्जापुर, यू वर ब्यूटीफुल इन मिर्जापुर. इतना अच्छा रोल आपने किया. कोई ऐसा रोल दैट यू वांटेड टू डू बिसाइड्स व्हाट यू डिड?
probably with your witty answers, Munna Bhaiya. Gender reversal hota to sure, but other than that, yeah, it's true. I kick ass in Munna Bhaiya, but I think I like Beena's character also. I think that character is also very layered, very strong, and very performance-based. Yes, very strong, yeah. Mm. Yeah. And you've acted in you've done a lot of theatre. Now you are setting all the OTT platforms on fire with your work. How different is it to act in a web series and a theatre? Anyone you idolize as a guru in theatre? थिएटर में तो बहुत है. आकाश खुराना जी हैं. देन आई स्टार्टेड व्हेन अधीर वाज एक्टिंग, आई वाज एक्टिंग टू. सो आई रियली द होल एके वेरियस, लॉट्स ऑफ पीपल, दे हैव कम आउट नाउ, दे आर लाइक रियली शाइनिंग ब्राइट. सो आई थिंक यस, आकाश खुराना जी, देन रत्नाबली, लॉट ऑफ पीपल आर रियली गुड और देखने में बहुत मजा आता है. थिएटर में अभिनय को आपको जो लास्ट रो में जो बंदा बैठा हुआ है उस तक पहुंचाना पड़ता है. करेक्ट. वेयर एज वेब शो, सिनेमा, टेलीविजन, उसमें आपको खुद इफेक्ट होना पड़ता है ताकि जो आपको देख रहा है उस मीडियम के थ्रू वो उसको महसूस कर सके. आई थिंक दिस इज द ओनली वेरी बेसिक डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रियल बिग डिफरेंस. क्राफ्ट इज क्राफ्ट. अभी आपने कुछ टाइम पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किया था डूइंग अ बेली डांस. यू लाइक टू डू इट एंड यू हैव लर्नड इट प्रोफेशनली और समथिंग? डांस इज समथिंग व्हिच मैंने कथक सीखा हुआ है, लेकिन उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. बट या आई लव टू डांस. डांस इज समथिंग आई एंजॉय. कि मुझे मूड खराब है तो डांस कर लो ठीक हो जाएगा, मूड अच्छा है तो डांस कर लो और अच्छा हो जाएगा. सो डांसिंग इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. सो या एवरीबॉडी नोज यू एज दिस यू नो राइजिंग एक्ट्रेस एंड आई एम श्योर यू आर नाउ गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स आल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री. बट दिस आई नो फॉर श्योर एंड माय टीम हैज आल्सो अपडेटेड दैट यू आर आल्सो अ पोएट. And अरे कहाँ ही. कभी अधीर आपके राइटिंग करने का कुछ प्लान बना? I know if is your favorite poem. Yeah. By Rudyard Kipling. Yes. Yes. So कभी सोचा कुछ अच्छा सा लिखने? काफी होमवर्क किया है आप लोगों ने. करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग मेरे कुछ बोलते हो. वो भी सही है. You're right. तो कभी सोचा राइटिंग में कुछ लिखने का? व्हाट काइंड ऑफ आई मीन कभी सोचा हो तो क्या जॉनर में लिखना चाहूंगी? बेसिकली है वो कीड़ा तो है, बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम आई थिंक आई गो आई हैव अ मेथड टू माय मैडनेस. तो अभी जैसे आई एम ऑल इनटू एक्टिंग एंड ऑल दैट, बट लेटर इन लाइफ आई थिंक आई वुड गेट इनटू वांट टू गेट इनटू डायरेक्शन एंड राइटिंग. बट उसके लिए मैं प्रॉपर पढ़ाई करूंगी. लाइक मैं एडिटिंग सीखूंगी. मुझे लगता है ये सब सीखना और यू नो आई लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट. सो आई वांट टू कीप गोइंग बैक टू इट, लाइक बिकमिंग अ स्टूडेंट, लर्निंग, देन सीइंग दैट व्हाट यू कैन क्रिएट. तो देखिए कभी ना कभी तो आई विल ट्राई माय हैंड इन इट. बट हाँ अभी तो ऐसे ही लिखती हूँ मैं, कुछ सीरियस नहीं. बट ओके, यू आर आल्सो इनटू फिटनेस. आर यू फिटनेस फ्रीक? Yes, big time. What's your schedule like, or what's your fitness mantra? Nothing. I mean, I am a big fan of yoga. Okay. मुझे लगता है आप जब अपने देश से बाहर जाते हो ना, आपके देश की वैल्यू, आपके देश की संस्कृति और उससे जुड़ी हुई जो चीजें है ना, जैसे योगा इज बिग अब्रॉड, लाइक एवरीबडी इज डूइंग योगा. मैं सोचती हूँ कि हमारे देश में लोग इतना सीरियसली नहीं लेते. Whereas it is really good. It is like it's more than exercise. It's brain, mind, organs. मतलब सब पे काम हो जाता है वो एक yoga से. You know there are a few asanas and also I'm big on yoga. I really like the practice because ये and I'd recommend all actors and artists to do it because ये आपके दिमाग पे बहुत काम करता है. Because every artist is
majority wise very you know on the edge emotion wise. Yes. It balances it you out and it calms you down and it makes gives your madness a method. So yoga, yeah, I swear by yoga. I think वो योगा से ही you know एक flexibility भी बनती है आगे और चीजें जैसे you're doing now, you're experimenting with belly dancing and probably you have that inner peace and calm that you achieve while you do yoga. But do you gym a lot as well? I don't gym a lot, but yes, I mix and match a little because वो भी करना ही पड़ता है because of the profession. Before I was not concentrating that much on strength. Okay. अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी ध्यान दे रही हूँ कि हाँ पुशअप्स करने आने चाहिए डोले शोले आने चाहिए वो सब थोड़ा सा I'm going on that way. Coming on this point, you think you should have a you know muscle डोले शोले वाली बॉडी या और you know more of a beach kind of a body. लीन मसल्स तो होने चाहिए कि कोई अगर बदतमीजी करे एक मुक्का से कुछ अफेक्ट तो हो. Good one. That's actually a good one. On this note, we have a separate segment called the one word, one line answer. I'm going to ask you a quick set of questions, जिसको आपको सिर्फ एक वर्ड में या एक लाइन में ही आंसर करना है. You up for it? Okay, let's try. Let's try. All right, here it begins. Your favorite holiday destination? Thailand, Bangkok. I love Bangkok. I second you to that. Shopping. Indra Market and Platinum Mall, right? Le chalo, mujhe le chalo. COVID. Last New Year, I was there. Okay. Okay. Go on. Yes. Last New Year I was there और मैंने बोला ये 2020 तो फाड़ देंगे फिर वापस आए और फिर यहाँ कोविड घर पे बैठो 2020 ने सबकी फाड़ दी. Seriously. Okay. जी. So, what do you do when you're not working? I dance, I meditate, I do yoga, I read. Do you believe in love at first sight? No, I don't. I think it's lust at first sight. It's not love. High five. Absolutely true. Okay. Which celebrities you believe are the most influential people on OTT? India? Yeah. Or? India. India. Pankaj Tripathi. Okay. Very influential. Absolutely. Ali is very again very influential. Vijay is very influential. Patal Lok, Jaydi Pehlawat is very influential. I think they are doing very good work. Yeah. What made you pick the dress you are wearing right now? Nothing. Yeah, I was in a mood for this, so that's all. Okay. What do you spend on most? I don't spend on most, like I'm not a spendthrift. I'm rather very middle class. I'm a lot into saving or zyada nahi. One of my fans, I'm sorry, it's not a one-line thing, but one of my fans said they want to gift me an Apple phone. Okay. I don't like Apple just because I'm anti-establishment. So okay. I'm like, kya karungi main Apple leke? To mujhe nahi chahiye. हाँ तो बोला क्यों मैम आपके पास इतने ये हो वो हो आप तो हो सो यू शुडंट यूज दिस फोन. आई सेड देखो फोन का काम जो है वो सर्व हो जाता है. सो आई एम लाइक दैट आई डोंट लाइक रियली एटलीस्ट टिल नाउ मुझे नहीं पता वेदर आई एम गोइंग टू चेंज ऑर नॉट बट टिल टुडे आई एम लाइक दैट लाइक जिसका जितना यूज हो उतना ही वैल्यू दो मतलब कीप योर डिजायर्स सिंपल एंड कीप योर ड्रीम्स एक्सीलेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक. That's good. That's amazing, actually. Okay. Any TV show or OTT series you've binged on recently? Recently, yes. I saw something recently. Mismatched. I saw Mismatched. Okay. Akarshas. And I really liked it. Prajakta is there in Mismatched, right? Prajakta.
The favorite car? Faruk Raina is also there. So good. Yeah, okay. Sure. Your favorite car or your dream car? Rolls Royce. रैंडम मारा है ना ये? If I want, हाँ, actually है नहीं ना कुछ, लेकिन अगर भाई कुछ बोल तो आंसर तो देना ही है। I don't think about cars, I don't think about ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। What do you fear the most? Fear? I don't fear anything. Yeah, fearless? I think fear fears me. Oh, Rajnikant style. Okay. The last question for this segment is, which is better, certificates or experience? Experience, any day. So this concludes our one word, one line. Before we wrap up the show, I have a few more questions that I have to ask you now, because there are a lot of questions coming in as well from the audiences. What is the random question? What is coming next? What are the projects you are currently working on, and something that is getting released in the coming days? So my next release would be Taxi Number 24, directed by Soumitra Singh. Okay. So that's something to watch out for. Mm-hmm. Other than that, there are a lot of things that we are talking on now. Let's see, because of the COVID is really playing a major part, you know, a bad one. Yeah. So let's see. Abhi ek hi aa raha hai Taxi, and where is it coming from? It's on television or OTT only? No clue. Not yet. No clue. We are dubbing for it. So let's see. Oh, okay. You are a very strong and bold woman. And you know, anything that you in one of your articles you said, stereotyping always happens. If you look good in a sari, people can't visualize you in Western clothes. Any suggestions you have, or what changes you want to make in society or in our law regarding the thinking towards women on a holistic perspective? That's a very good question. I mean, I would want ये जो gender equality है, ये जो लोग बोलते हैं, लेकिन actually it's just a word. There is no gender equality. I don't know about the world. I'm just going to keep it to India, because this is my country. I'm very passionate about my country, and I would want these changes to happen. Because like for example, मुझे ये बहुत बार ही पूछा जाता है कि आप इतने bold हो. I don't understand what is this word. Secondly, I don't see many actors being asked this question, you know, that male actor, that you're very bold and all that. So why is a female always, you know, there are two people in it, right? If there is a kissing scene, if there is a bed scene, if there is whatever scene, there are two people in it. Absolutely. So why is the woman all the time being like, you know, maligned or asked these kind of questions? Firstly that. Secondly, hum abhineta hain, abhinetri hain. Hum apna kaam kar rahe hain taki aap tak jab hum pahunche to aapko feel kar sako, mehsoos kar sako. Wo real nahi hai. Wo bas us script mein wo jo zaruri hai wo hum aap tak pahuncha rahe hain. Iska matlab ye nahi ki hum real life mein waise hain. Exactly. रियल लाइफ में हम कैसे हैं वो बहुत ही अलग है. लाइक पीपल थिंक दैट यू नो वट एवर दे थिंक आई एम एग्जैक्टली द ऑपोजिट. बट द पॉइंट इज दैट इज एक्टिंग. मतलब मैं अभिनय में थोड़ी अपने आप को दिखाना चाहती हूँ. मैं तो उस किरदार को निभाना चाहती हूँ. Exactly. जो मुझसे बहुत ही अलग है शायद, लेकिन मैं अगर वो सक्सेसफुली निभा पाऊँ तो आपको अच्छा लगेगा. अगर नहीं निभा पाऊँ तब आपको लगेगा अरे what is she doing? What is she doing? So that bifurcation, that this is an actor and that is her art. Yeah. Ye zaruri hai, ye education zaruri hai, kyunki log phir like the trolling that I get, though I don't take it seriously, because I think agar aapko adulation mil raha hai aur wo aap accept kar rahe ho, jo itna pyar mil raha hai, to trolling bhi is a part of it. Absolutely. So, but the only thing is, it shows the mentality towards women. कि अगर हम सेलिब्रिटीज को ऐसे बोला जा रहा है तो नॉर्मल एक लड़की को क्या फेस करना पड़ता होगा. एग्जैक्टली. सो द पॉइंट द थॉट प्रोसेस शुड बी दैट वुमेन आर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स, दे आर ह्यूमंस. ट्रीट देम इक्वली. लाइक देयर इज नो लाइक कि
आज तो एकदम नहीं है आज के टाइम पे. अ मैन एंड अ वुमन आर इक्वल, ट्रीट देम इक्वली. और वो ना वो डीएनए में होना चाहिए, रूरल जगहों पे होना चाहिए, अर्बन जगहों पे होना चाहिए. इट शुडंट बी जस्ट अ प्राइमरी एजुकेशन इटसेल्फ शुड चेंज. इज दैट व्हाट यू आर हिंटिंग एट? यस, आई एम सेइंग दैट देयर आर सम सोशल थिंग्स व्हिच शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेरी प्राइमरी लेवल where children are taught that, you know, yes. Then there will be a very big, ye jo stupid cheeze hain, jaise in my household, both my parents used to work. So I come from a very broad-minded, very, like I've seen gender equality. तो मेरे लिए तो आई कांट इवन फैदम. बट बीच में मैं जब राजस्थान में शूट कर रही थी, आई सॉ फ्यू थिंग्स एंड आई एम लाइक वाओ, नाउ दिस इज रियली ओके, दिस आल्सो हैपेंस, यू नो. The gender inequality there is crazy. Yeah, it's crazy. Yeah. So, अगर आहिस्ते आहिस्ते हम अपने अपने लेवल पे हर, because I don't like being an armchair critic. I would want to change things a little in my humble way. तो आप अगर educate कर सको तो अच्छी बात है. Everybody should do their bit. बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो बूंद बनेंगे. सही है. सो दिस वॉज इट एंड आई वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज फॉर पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट इन टू द इंडस्ट्री, हु बीन स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम. एनी मैसेज दैट यू वॉन्ट टू गिव टू ऑल ऑफ देम? ओके, सो आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स, अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम अबाउट वी वॉन्ट टू कम हियर, हम भी ऐसे ये है, हमें करना है, आपको देख के बताइए कैसे करेंगे. पहली बात जो है कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो. कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या आप अगर यू नो इफ यू आर जस्ट गुड लुकिंग और आप यहाँ आ जाओगे और आपका हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. आजकल तो ये भी नहीं है कि हम फिल्म लीनियज से हैं इसलिए हो जाएगा, ये तो और बदल रहा है. Absolutely. तो पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद हिंदी पे काम करो, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज में एक्टिंग करना चाहते हो. अंग्रेजी इज वेरी गुड, इंग्लिश एवरीबडी शुड नो, बट दैट इज नॉट द लैंग्वेज दैट वी आर एक्टिंग इन. तो हिंदी पे काम करो. मैंने यहाँ आके कलकत्ते से, कलकत्ते में हिंदी का हब ही नहीं आता था मुझे, यहाँ मैंने प्रेमचंद पढ़ पढ़ के मैंने ये सुधारा. अच्छा. ये सब जरूरी है. यस, या सो ये बहुत जरूरी है. उसके बाद आप अपने क्राफ्ट को जानो. ये मतलब मुंह उठा के मत चले आओ कि मुझे कोई नहीं, मतलब कोई नहीं देगा आपको, आपके ऊपर 1 करोड़ कोई वेस्ट करने के लिए बैठा नहीं है. नहीं, अपना काम करो, अपने ऊपर काम करो. और यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग, लाइक अंटिल एंड अनलेस, बिकॉज आज भी अगर मैं बोलूं, मुझे रिजेक्शन आज भी फेस करना पड़ता है, मुझे अभी भी काम मिलने में तकलीफ होती है. तो क्योंकि मुझे जैसा काम करना हो चाहिए, मतलब आई हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ वैरायटी ताकि एज एन एक्टर आई कैन ग्रो. तो वो मिलने में आज भी मुझे तकलीफ होती है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन अ नटशेल इज, बहुत टाइम आपको घर बैठना पड़ेगा जहां आपको आपके पास काम नहीं होगा. तब आपको ये, अगर मतलब इफ यू आर गोइंग टू गो ऑल मैड एंड पार्टी एंड डू, पार्टी से काम नहीं मिलता, कनेक्शन से काम नहीं मिलता, ये सब अभी इट्स बाइगॉन. यस, पुरानी बात. यू ओनली हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. हाँ, आपको अपना काम आना चाहिए, कहीं से गो एंड एडुकेट योरसेल्फ इफ यू वांट टू बी एन एक्टर. जैसे भी फील्ड में आना चाहते हो, एडुकेट करो. सिर्फ बॉडी या उससे कुछ नहीं होता, ब्यूटी से कुछ नहीं होता. यू हैव टू नो योर क्राफ्ट. बुक्स पढ़िए, पढ़ना एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है. आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको, आप थिएटर कीजिए. थिएटर में क्या करते हैं ना, द रीजन आई रियली टेल एवरीबडी टू गो ज्वाइन अ थिएटर ग्रुप, अपने शहरों में ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं है. उससे क्या होता है, आपको एक डिसिप्लिन मिलता है. एक एक्टर के लाइफ पे, एक आर्टिस्ट के लाइफ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आजकल में आप घर बैठोगे, आपके पास हमेशा काम नहीं होगा. तो तब आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, नया चीज सीखना पड़ेगा. तो आई थिंक इट्स अ टफ प्रोफेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट्स वेरी टफ. इट प्लेज विद योर माइंड, इट प्लेज विद, लाइक यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस डार्क डेज टू कम आउट एंड फेस द लाइट. ग्लैमर और यू नो सक्सेस और मनी, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे क्या है वो दिखता नहीं है.
मैं जब बंबई आई थी पहले, तब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे. तब मुझे डिसाइड करना था कि बिकॉज ब्यूटी गेट्स यू एवरीथिंग फॉर फ्री, तो मुझे डिसाइड करना था मुझे वो चाहिए रास्ता, कि मुझे चाहिए कि बिना खाके मैं सोऊंगी, मैं बुक पढ़ के, लेकिन मुझे सही दिशा में जो मेरे लिए सही है, आई विल गो अप बाय दैट. सो आई चोज द लैटर वन एंड दैट्स व्हाई माय लाइफ हैज बीन रियली डिफिकल्ट, बट आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे. तो ये प्रिपेयर होके आना चाहिए. अगर आपको ऐसे स्टारडम चाहिए वो तो ऐसे चला भी जाएगा. इफ यू आर गोइंग टू, या यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी स्ट्रांग माइंडेड. कितनी रातें रो के गुजारे हैं मैंने कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये. सो पीपल डोंट सी दैट. सो आई वॉन्ट पीपल टू बी एडुकेटेड ऑन दैट, दैट आज आप जो देख रहे हो ये स्ट्रेंथ आई है क्योंकि उस दिन मैंने वो गलत काम नहीं किया. आई सेड नो, आई एम गोइंग टू यू नो होल्ड पुल थ्रू. सो या दैट्स अबाउट इट. आई थिंक थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज अंकशा. इट वॉज सो गुड टू हैव यू टुडे. People have loved it. They've sent a lot of comments. I'm going to make sure that all these comments reach you so that you can probably answer them. And thank you so much for joining in today. Beautiful message you've given for the upcoming aspirants. Thank you so much. Thank you, Sujay. Thank you. Namaskar. So this was Anansha Biswas, जिनके साथ की हमने खूब सारी मजेदार बातें. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सैटरडे एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन, नमस्कार.